हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो। ये एक लास्ट स्विंग था, सो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा एग्जैक्टली यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने। अब कल के सेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग होता है तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी 33,500 34,000 तक भी जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग होता है, 32,500 के ऊपर अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे में 32,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 32,000 राउंड ऑफ लेवल है। 32,000 के अगर नीचे निफ्टी जाता है पहले 5 मिनट के कैंडल में ही, तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो। वहां पर आपको 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में इजीली मूवमेंट मिल सकता है। 32,000 के लेवल पे आप ध्यान देना, 32,000 फ्यूचर्स में अगर टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ये गैप फिलअप कर दिया है। एग्जैक्टली इसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया इसने और सेकंड हाफ में हमें काफी फॉल देखने को मिला, 300-400 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला हाई के लेवल से। यहाँ पर एक ये कैंडल बना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये कैंडल का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना, क्योंकि ये कैंडल में आपको यहाँ पे काफी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अगर ये कैंडल का लो टूटेगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है और 200-300 पॉइंट फॉल इजीली हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कल ओपनिंग में 5 मिनट का चार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे पहला नेगेटिव कैंडल बनता है, बेरिश कैंडल बनता है, तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो 32,000 के नीचे। 200-300 पॉइंट आपको इजीली इंट्राडे में मिल सकता है। तो हमें एक नेगेटिव कैंडल चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे। अगर वो मिलता है ओपनिंग में ही तो हम लोग बैंक निफ्टी एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लेवल है 31,986, जो मैं आपको बता रहा हूँ राउंड ऑफ लेवल 32,000। इस कैंडल का लो अगर टूटता है तो 31,700 31,500 इजीली बैंक निफ्टी आ सकता है। तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है अगर 32,000 का लेवल टूटता है फ्यूचर्स में। अब हम लोग निफ्टी एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लास्ट स्विंग का हाई था, एग्जैक्टली यही लेवल पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें छोटा सा देखने को मिला है और ये लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 14,250 14,300। अगर ये लेवल टूटता है तो 13,600 तक भी आ सकता है निफ्टी, जो कि पोजिशनल टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में। इंट्राडे की बात करें तो हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इंट्राडे में भी अगर आप देखो हाई के लेवल से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स गिरा है निफ्टी सेकेंड हाफ में। लास्ट 1 आवर में काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को और वही मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है मंडे मॉर्निंग में भी। तो एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है मंडे फर्स्ट हाफ में। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनता है निफ्टी में भी हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। और 14,600 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लास्ट स्विंग का रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अगर 14,600 के नीचे जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ने एग्जैक्टली ये जो रेड कैंडल है इसकी हाई के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 14,610 14,620। अगर ये लेवल टूटता है तो शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है 14,450 14,500 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो पहला 5 मिनट के चार्ट पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर बेरिश कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, तो हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। पहला 5 मिनट का जो बेरिश कैंडल होगा उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 200-300 पॉइंट टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और 50-100 पॉइंट का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में 14,600 के नीचे। अब हम लोग कुछ स्टॉक्स के भी एनालिसिस करते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। HDFC बैंक का रिजल्ट आया सैटरडे को, रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया तो उसके कारण भी बैंक निफ्टी में हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये तीन बैंकिंग स्टॉक्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पे, क्योंकि तीनों प्राइवेट बैंक्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट पे वो काफ़ी नेगेटिव बन चुका है और यहाँ से करंट लेवल से हमें 10-15% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक तीनों में ही। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पे। ये ICICI बैंक का वीकली चार्ट है और ICICI बैंक के लिए 550 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा 550 के नीचे अगर ये वापस जाता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और 10-15% का फॉल 550 के नीचे हमें इजीली देखने को मिल सकता है। सो 450 470 तक के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 550 के नीचे। तो करंट लेवल पे आपको शॉर्ट नहीं बनाना है। 550 के नीचे जाने लगे तो हम लोग ऑप्शंस बेरिश स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं।
और अगर आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है तो आप फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े बहुत कॉल्स बाइंग करने पड़ेंगे हेजिंग के लिए। एक्सिस बैंक के लिए भी अगर आप देखो 650 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 650 के नीचे अगर ये जाता है तो 550 तक ये ईजिली आ सकता है। 10-15% का फॉल हमें ईजिली देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में भी। एक्सिस बैंक का भी वीकली चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चुका है और आपको ये स्टॉक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। 650 के नीचे एक्सिस बैंक में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा फॉल, एग्रेसिव फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पर इसने ये लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है 1350 के आसपास। अगर ये 1350 भी तोड़ता है तो 1300 तक भी आ सकता है यहाँ तक, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 1300 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो 1350 और 1300 ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है HDFC बैंक के लिए। 1300 के नीचे 10-15% का फॉल हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। 1350 और 1300 के नीचे अगर जाता है HDFC बैंक, सो वहाँ से 10-15% का फॉल हमें ईजिली देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में भी। तो आपको ये तीनों प्राइवेट बैंक पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैंने आपको लेवल्स बताया वो नोट डाउन कर लेना। ये तीनों बैंक मैंने एनालिसिस इसीलिए किए हैं क्योंकि तीनों बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे नेगेटिव बन चुका है और इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है। अगर वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं तो एक शार्प फॉल, बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और ये तीनों बैंक में अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं तो डेफिनेटली हमें बैंक निफ्टी में भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों बैंक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो आप बैंक निफ्टी में भी अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हो। और कुछ भी लाइव मार्केट में लेवल्स में कुछ चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, साथ में आपको कुछ कैश लेवल इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करके इंट्राडे में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ये हमारा वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना है, डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस सीखना है, लाइव मार्केट में ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा को कैसे ट्रैक करते हैं, ये सब कुछ मैंने सिखाया है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसका भी हमारा कोर्स है, तो आप हमारे ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।